आपके सहयोगी अमरदीप, बहुत जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप शुरू हो जाइए। ये जवान क्या कह रहे हैं आज के दिन? देखिए, जिस जगह में मौजूद हूं उस जगह का हिस्सा जो है करीब 1070 किलोमीटर लंबा राजस्थान की सीमा से लगता है, भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। और 3200 बम जो थे पाकिस्तान ने गिराए थे जब तनोट के आसपास, तो तनोट का चमत्कार देखने को मिला था, न सिर्फ भारतीय फौज को बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी। लेकिन तमाम यहाँ पे जो BSF के जवान हैं, रणबांकुरे हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का वो दिन जहाँ पर जश्न मना रहे हैं, तो गुरमील के पास हम सबसे पहले चलेंगे। आज क्या सुनाने जा रहे हैं आप? देश की सीमाएं माँ के आंचल के समान होती है, उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मैं भूज रहे मेरी आन सदा चाहे जान मेरी अब रह न रहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, मैं फूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जामा गुल बन के, मैं खिल जामा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जामा, तेरे खेतों में लहरामा, इतनी सी है दिल की आरजू। ये आरजू यहीं नहीं रुकेगी क्योंकि अब लगातार जारी रहेगी। दर्शकों को कुछ और भी सुनना है आपसे, क्योंकि BSF के जवान के हाथ में जब हथियार होते हैं तो वो दुश्मन पर निगहबानी करता है, लेकिन आजादी के जश्न की बात होती है तो हाथों में माइक और जुबा पर संगीत होता है। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन की राह पर हम सर कटाने से नहीं डरते। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। जिन्होंने अपनी जाने इस देश के लिए दी, उनके लिए गाना उनका है। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 अज रंग दे माए रंग दे, अज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 देखिए जैसलमेर मेर से तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है। और मैं यहाँ पर पहले क्विक रिएक्शन लूंगी कर्नल शैलेंद्र से और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। पहले कर्नल शैलेंद्र, देखिए ये जो गाना गाया जा रहा है ना, ये गाना पूरा देश गा रहा है जी, बिल्कुल। अब आप समझिए इस बात को, ये वो वहां गा रहा है, आप यहाँ गा रही हैं, मनी मन आप भी गा रही हैं, मैं भी गा रहा हूं, जो भी इस समय इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहा है वो सब ये गाना गाते हैं और सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा वो दिन होता है जहां हम अपने लिए सेलिब्रेट करते हैं, हमने अपने आप ये जो हमने आजादी मिली है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इस समय अगर कल कोई बोल दे मुझे कि कौन है US और कौन है रशिया और कौन है कौन, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। आज ये हमारा दिन है, हम इसे अपनी तरह से इंजॉय करेंगे। BSF अपनी तरह से इंजॉय कर कर पूरे के पूरे देश को साथ मिला रही है। ये लड़कियां जो डांस कर रही हैं, ये लड़कियां जो परफॉर्मेंस कर रही हैं, ये परफॉर्मेंस उनके द्वारा नहीं है, ये हम सबका परफॉर्मेंस है। क्योंकि वो देखिए उसने जिस तरीके से वो ताव दे रही हैं अपने आप को, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि वो मेरे पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। काफ़ी खुशी होती है एज अ फौजी कि आप सब सिविलियंस हमसे चार कदम आगे इस सेलिब्रेशन में जुड़ते हैं। बिल्कुल।
देवनाथ सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी, फिर लाल चौक का भी मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी वैभव जुड़े हुए। लेकिन सर वो बात मेरे सहयोगी ने बिल्कुल खूब कही कि देखिए जब हाथों में हथियार हो तब एक अलग ही इरादे होते हैं, वो फौलादी इरादे जिनका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब हाथ में माइक आ जाता है और वो जोश जज्बा यहाँ भी नजर आ रहा है, उस संगीत में भी नजर आ रहा था। हाँ हिमानी, कितना सुंदर, कितना महत्वपूर्ण एक मौका है जब जज्बा और दृढ़ निश्चय और देश के ही सेवा का जो संकल्प है वो एक गाने के मातहत बाहर निकलता है। दिल से गाया था। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि आज जो ये बच्चे ये कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये दिखाते हैं हमारी सॉफ्ट पावर और हमारी हार्ड पावर। ये जो बच्चे आज यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी अब मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बिना युद्ध लड़े भारत विश्व में बहुत तेजी से, द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। माने ये जो बच्चे हैं इनमें देखो कितना आनंद है, उत्साह है, इनमें एक जो हर्ष और उल्लास है इसको चैनलाइज करेगी भारतीय जनता, और यही बच्चे बड़े होकर हमारे देश को मजबूती से, तेजी से आगे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक बार जरा, मैं लाल चौक पर मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव, वैभव और जिस जगह पर आप मौजूद इस वक्त हैं, आपकी मौजूदगी है, देखिए उस आज जो ये भीड़ दिखाई दे रही है ना, तिरंगा लेकर नजर आ रहे हैं। एक टाइम हुआ करता था जब एक खौफ था, एक डर था और सन्नाटा पसरा रहता था, यूं भी कहते थे वहां के सियासतदान कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज शांत से बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो रैली है, और सबसे लंबी रैली तो वहीं निकाली गई है, तो ये भी हो रहा है। हाँ देखिए बिल्कुल हिमानी, हम उस वक्त लाल चौक पर ही मौजूद हो, और हमारे ठीक पीछे अगर आप देखें क्लॉक टावर पर लहराता ये तिरंगा, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं देश भर के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनके हाथों में जो है वो तिरंगा नजर आ रहा है। तमाम लोगों से हम बात भी करेंगे। कहाँ के रहने वाले सर आप? पुणे से है। मारे से है। कश्मीर का माहौल अब कैसा है, कितना बदलाव आप? बहुत बढ़िया है। पहले से कितना बदलाव आपने देखा? बहुत बदलाव है सर, अभी बहुत सेफ है अभी। बहुत कितना बदलाव आपने देखा लाल चौक पर? हम उस वक्त बहुत बढ़िया, हम गुजरात से आए हैं राजकोट, और मैं टीचर हूँ यहाँ राजकोट कॉरपोरेशन में, गवर्नमेंट में, और आज सुबह में भी हम आए थे, वो जब ध्वजवंदन का कार्यक्रम था तब, तो जो बदलाव देखा अभी तो सोच नहीं सकते इतना बदलाव हुआ है। 5-6 साल पहले ज्यादा ना जाए यहाँ पर सन्नाटा रहता था, लोग आने से पहले सोचते थे। 10 साल पहले भी मैं आया था, और आज जो बदलाव हमने देखा, पूरे घूमे पूरे श्रीनगर में, 3 दिन रुका मैं यहाँ, इतना बड़ा मजा आया। वो कैसा लग रहा है लाल चौक से, क्या संदेश पूरे देश को आप देना चाहेंगे? जी मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पूरा अमन चैन है, छुटपुट घटनाएं कहीं होती है, मैं पिछले 6 महीने से यहाँ, तो आज वो खौफ नहीं है, आज वो सेफ फील करते हैं, और आज हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है। जब कहा गया था ना कि एक भी कोई मिलेगा नहीं तिरंगा उठाने वाला, लेकिन आज हर हाथ में, हर घर में तिरंगा है।